हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है, कौन सी है? वो एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट होगी ये एप्लीकेशन? द प्रिंसिपल, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लिखना है आपके स्कूल का नेम, और यहाँ पे आपको लिखना है आपके टाउन का नेम कि आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके स्कूल के प्रिंसिपल अगर एक सर हैं तो आप यहाँ पे सर लिखेंगे, अगर एक मैम है तो आप यहाँ पे मैडम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी ये? दैट आई बैक टू से दैट आई बैक टू से दैट द मैरिज ऑफ MARRIAGE द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर या फिर सिस्टर, आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्स प्लेस नेक्स्ट वीक, कि मेरे एल्डर ब्रदर या फिर सिस्टर उसकी मैरिज जो है वो नेक्स्ट वीक में होनी है। आई एम टू हेल्प माई पेरेंट्स PARENTS पेरेंट्स इन मेकिंग मैरिज अरेंजमेंट्स। उसके बाद क्या लिखा है कि मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है मैरिज के जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो करने में। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी Leave for five days, इसलिए मुझे 5 दिन की छुट्टी दी जाए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? Thanking you, yours obediently, OBEDIENTLY, yours obediently। देन आपको यहाँ पे लिखना है आपका नेम, नेम के बाद लिखनी है क्लास, उसके बाद रोल नंबर, और लास्ट में लिखना है डेट जिस डेट को आपकी एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एप्लीकेशन मैरिज लीव की। होप आपको समझ आ गई होगी, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएँ और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।